गौर से देखो एक शख्स को, ना काय हुआ ये देखो। ये राम राम जी सबने, गुड मॉर्निंग हो चुकी है, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो भाई आज का प्लान कुछ ऐसा है, आज हमारे सभी दोस्त इकट्ठा हो रहे हैं, थोड़ी यार सैडनेस है आज, तो सभी मिलके पार्टी वार्टी करेंगे, खैर तर चलेंगे हनुमान पहाड़ी पे। आप आज आपको हनुमान पहाड़ी भी दिखाएंगे। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है, अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और मैं लेट उठा हूँ आज, क्योंकि आज जैसा कि आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है हमारे गाँव के एरिया में। तो अब सीधा नहाते हैं धोते हैं और सीधा पहाड़ी पर चल के आपको वहाँ का सीन दिखाएंगे। मस्ती टाइम शुरू होता है। अब मैं तैयार हो चुका हूँ, घर से निकलने वाला हूँ। सामने हमारे बॉक्सर भाई खड़े हैं, सारे भाई हनुमान पहाड़ी पे मिल रहे हैं, और अपना एक आकाश नंदोर का भाई आज ही आया है भिवाड़ी से, उसके साथ भी खूब मस्ती करेंगे। खूब चल के आपको वहाँ का सीन दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम हनुमान पहाड़ी पर पधार चुके हैं। यहाँ पे एक मंदिर भी है भोले बाबा का, ऊपर चल के आपको दिखाएंगे मंदिर भी। ये हमारे सारे दोस्त इकट्ठा हुए हैं, अभी 10-15 दोस्त और आ रहे हैं। आपको उधर चल के वहाँ का सीन और दिखाएंगे, वहाँ पे आगे हो रही है, यहाँ पे और भी इससे आगे बढ़िया बढ़िया है, इधर भी है। तो थोड़ी देर में सारे इकट्ठा हो जाए, पार्टी वार्टी कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपको यहाँ का पूरा सीन दिखाएंगे। अब फिलहाल चल के आपको मंदिर दिखाते हैं ऊपर का। यहाँ से मंदिर की शुरुआत होती है, यहाँ से सीधी सीढ़ियाँ जाती है धीरे धीरे। हमारे सारे भाई सुस्त पड़ चुके हैं अभी से ही, वातावरण को देख के शांत पड़ गए हैं। बिल्कुल अभी क्या है, हमारे आगे से थोड़े कुछ गुजर के गए हैं, तो हमारे भाई थोड़े संकट में हैं। तो ये देखो मंदिर का फ्रंट, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा हम ऊपर आ चुके हैं फाइनली पहाड़ के ऊपर। भोले बाबा का मंदिर है, ये भोले बाबा का त्रिशूल है यहाँ पे। जय भोलेनाथ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा इस त्रिशूल के ऊपर एक सांप लटक रहा है, सांप ऊपर भी नीचे भी। यहाँ के बाबा, तो बाबा यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे, तो हम वीडियो को बंद कर रहे हैं, आपको पहाड़ी दिखाएंगे। बाबा भोलेनाथ के दर्शन करके हम मंदिर के जस्ट बाहर आ चुके हैं, यहाँ से आपको पहाड़ी का पूरा व्यू दिखाएंगे। साथ में हमारे भाई भाई सारे एक साथ बोलिए, और जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, लव यू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहाड़ी का कितना जबरदस्त व्यू होता है सर्दियों में। अभी थोड़ी सर्दी कम हुई है, धूप निकलनी शुरू हुई है। यहाँ इधर खेत हैं और ये बाकी का इधर का व्यू देखो, बहुत ही बेहतरीन है यार। तो थोड़ी देर पार्टी करते हैं भाई। केक के लेके आए हो? बर्फी है, चिप्स है, डिस्पोजल भी है, ठंडा भी है। और वो कलाकंद कही थी? हाँ ये रही ना, एक एक किलो है ना। कोई दिक्कत ना है। बॉक्सर भाई कैसा लग रहा है? तो थोड़ी देर पार्टी करते हैं, उसके बाद मिलेंगे। तो भाई सारा दोस्त भेड़ा होगा, कमीना दोस्त सारा नंबरी, 10 नंबरी, मैं नंबरी, ये 10 नंबरी। तो भाई पीछे की पहाड़ी का सीन देख लो, 1000 नंबरी। अरे मोब दिखा, गौर से देखो एक शख्स को, ना काय हुआ ये देखो। ये पीछे की पहाड़ी मतलब बिल्कुल बहुत ही शानदार जगह है, ऊपर चल के ऊपर दिखाएंगे। फिलहाल ये देखो इधर, ओए होए ओ ज्योत, ओ इधर आजा सीधा ऊपर, ये देखो ऊपर चल के ऊपर का दिखा रहे हैं। आजा रे डीसी, बैठांगा कलाकंद है, बर्फी है, खाऊंगा, अपना अपना ग्रुप अलग आ जाओ। और इन्हें संभाल के ये गुड़ जाए कदे मोक्ष, फैल जाओ सोले फिल्म में ना फैला रहे, पहाड़ा पे बंदूक ले लग बैठ जाए, आइए बैठ जाओ। ओ उन्हें देखो, उन्हें गुरु कितने आदमी थे जब पर
कितने आदमी थेरे कालिए ओए एक काम कर एका मुंह में 2 किलो हंग दे ये देखो भाई वो रहा मंदिर जो आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था वो रहा 2 किलो थे भाई बजट ही ना भाई बजट तो सब हो जाए ये देखो भाई बहुत ही शानदार जगह अभी और ऊपर चलो चलो पर उरी बैठ जाओ उरी बैठांगा आ जाओ चंबली डाकू आ जाओ सारे भाई हाय कर दो एक बार हाय और डर रहे हेलो गाइस तेरी लीज राम राम साहब तेरी राम राम लीज आज हमने हाँ भाई हाय कर दो ओके हाय कर तो भाई अब खूब मस्ती करेंगे थोड़ा पहले खा पी लेते ये भाई 2 दिन से बाश हमारा डोल रहा थी तो अब इनमें कुछ खिला देवा उनके बाद मिलाना और इधर का सीन देखो यार ये देखो ये पीछे की पहाड़ी है अब ये जा नहीं सकते नहीं वहां पे भी चल के आपको वहां का दिखाते फिलहाल आप इतना ही देख लो आज के व्लॉग में चल चल वहीं आ रहा रुक जा अद्भुत नजारा है ओए फोटो खींचूंगा बॉक्सर बहन चल ऐसे आ जा तेरी लिए राम राम जैसा कि आप देख सकते हैं ये भाई 2 दिन का भूखा है दड़ादड़ खा रहा है राम कलाकंद बर्फी खोल रहे बर्फी अब ये पता है क्या करेगा ये जो ऊपर ऊपर कहे ना नींद खा जाए नीचा की छोड़ दे ये भाई अपनी प्याऊ लगा रहे ड्यू की बॉक्सर बढ़िया तेरी लिए राम 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 कर कर कुवार हो तुम ये भाइयों का प्यार है भाई। तो भाई अपनी बुआ जी का लड़का आ चुका है फाइनली और साथ में हमारे चंदन भाई गुरु भाई और मैं तो अब सीधा चल रहे हैं मुकालानी चौक पे वहां पे चल के ढेर सारी मस्ती करेंगे अभी ना क्या हाल है तो मरवा मत दियो मैं सिलेंडर ना पत्थर है धीरे तो भाई चल रहे सीधा हेमुकालानी चौक घबराइयो मत भाई घर आ चुके हूँ हासपुर से आकाश भाई से मिलकर सीधा घर आ चुका हूँ खाना वाना खा लिया है घर आके तो अब वॉलीबॉल का प्लान है देखते हैं वॉलीबॉल खेलते हैं या क्रिकेट जो भी खेलेंगे आपको दिखाएंगे तो मैदान पे मिलते हैं वॉलीबॉल स्टार्ट हो चुका है सारे खिलाड़ी आ चुके हैं ओए कैसे शेप में पड़े थे डोला शू 4 मैच खेलने के बाद 1 मैच हमने जीता है 3 इन्होंने जीता है तो ठंडा चढ़ चुकी है हमारे बॉक्सर भाई के तो हम ठंडा लेने जा रहे हैं दुकान पे चल के वहां का सीन दिखाएंगे पादो कहने अरे भेड़िया की शकल का पाद के पर चलो गो देख तेरी शकल पर मैंने पाद साक्षात नजर आ रहे हाँ तो भाई ठंडा आ चुकी है यही है वो शख्स जो बराती वाली गाड़ी का फूल तोड़े थे हाथ मिला दहामन की मेड ले फौजी तो भाई मेरा पैक अभी अधूरा है मेरा पैक पीते हैं उसके बाद घर चल के खाना खाएंगे खाने के लिए खाना वाना खा के रेडी हूँ सोने की तैयारी है बिस्तर लग चुके हैं इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग का एंड करता हूँ आशा करता हूँ आपको ब्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा तो लाइक मारो कमेंट मारो शेयर करो दबा के सब्सक्राइब करो सारे भाई दिल तक सपोर्ट करो लव यू सारे भाइयों ने लव यू